हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी। साथ ही साथ आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हेल्दी भी है और इसे आज हम बनाने वाले हैं सूजी से। तो आप टेक्सचर तो इसका देख ही पा रहे होंगे, ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये जितना अच्छा दिख रहा है खाने में भी इतना ही टेस्टी है। होप वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे एक कटोरी, और उसमें डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच ऑयल। तो आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही नमक। तो उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही। तो दही यहाँ मैंने पानी में मिक्स कर दिया था, थोड़ी फैट ली थी, उसके बाद मैंने ऐड किया है। साथ ही हम डालेंगे एक कटोरी सूजी। तो सूजी की मात्रा यहाँ मैंने 200 ग्राम लिया है। तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी में बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल इस तरीके से मैं जैसे मिक्स कर रही हूँ ऐसे मिक्स करते हुए इसे लो फ्लेम पर भूने आप, बिल्कुल जब तक ये हलवे का टेक्सचर में ना आ जाए तब तक आपको इसी तरीके से इसे चलाते रहना है। तो आप ये देख पा रहे होंगे इसकी बर्निंग होना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से जब हो जाए तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो ये अब ठंडा हो चुका है हल्का सा। मैं इसे एक अलग बर्तन में निकाल ले रही हूँ और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना करना है इसे। आप बस इतना ठंडा करना है कि आप हाथों के सहारे से इसे छू सकते हो। उसके बाद आप जैसे आटे को गूंथते हैं उस तरीके से इसे अच्छी तरीके से गूंथ लें। जब आप गूंथ रहे हो तो हल्के हल्के पानी आप हाथ में ले लें और गूंथ लें। उसके बाद इसका शेप तैयार करेंगे। तो ये देखिए, आप इसे भी छोटी साइज़ के बना सकते हैं या फिर बड़ा साइज़ का भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल डोनट होता है उस तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। आप पेड़े के आकार में भी बना सकते हैं इसे। तो यहाँ देखिए, मैं पेड़े के आकार में भी इसे बना दी हूँ और उस तरीके से बच्चे ज़्यादा करके रिंग साइज़ में पसंद करते हैं। तो इस तरीके से सारा हम बना कर रेडी कर लेंगे। तो अभी आगे और भी प्रोसेस है, तो वीडियो में आप बने रहिए। तो ये देखिए, यहाँ टोटल बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। फिर से कढ़ाई लेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और कटोरी रखेंगे। कटोरी में भी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। साथ ही साथ ये सूजी का जो मैंने तैयार किया है इसको इसके अंदर रखेंगे स्टीम होने के लिए। आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें रख दें और इसे ढककर हम 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम देंगे। 10 मिनट भी दे सकते हैं आप। तो ये देखिए, यहाँ लगभग स्टीम हो चुका है हमारा ये सूजी का टेक्सचर और शेप जो मैंने इसे तैयार किया है। तो ये बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल पक गया है। अब आप सावधानी से इसे बाहर निकाल लें और ठंडे होने के लिए आप इसे छोड़ दें। आप इसे जितना ठंडा करके बनाएंगे आपका जो ये रेसिपी तैयार होगा ये उतना ही अच्छा तैयार होगा। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है और वन बाय। तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। तो आपको इसके लिए लेना होगा प्याज, शिमला मिर्च, फ्रेश बीन, टमाटर, गाजर, अदरक, हरी मिर्च। मेरे पास गाजर कम था तो इसलिए मैंने थोड़ा कम इस्तेमाल किया। आपके पास हो तो आप मात्रा डाल दें। तो आपने देखा, प्याज, शिमला मिर्च, फ्रेश बीन, टमाटर और जितनी सब्जियां हो, हरी सब्जी आप कैबेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो अब फिर से कढ़ाई को गर्म करिए और उसमें ऐड करिए सरसों का तेल या आप जो भी ऑयल खाते हो, 1 चम्मच जीरा, आप राई पसंद करते हो तो राई को भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे हम प्याज और पहले पकने वाली सारी सब्जियों को ऐड करेंगे हम। तो यहाँ मैंने गाजर, प्याज और फ्रेश बीन को एक साथ डाला है और इसे भूनेंगे हम। बहुत ही सिंपल है बनाना, सारी सब्जियों के साथ बनती है, साथ बहुत ही हेल्दी है। आप इसे बच्चों को भी बनाकर लंच बॉक्स में दीजिए। एक हेल्दी लंच बॉक्स है की रेसिपी है ये। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम नमक। तो नमक मैंने यहाँ इकट्ठा डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग नमक को ऐड करिएगा अगर आपको अंदाज़ा ना रहता हो। और थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद
यहाँ मैंने थोड़ा सा करी पत्ता ऐड किया है। मैंने ऑयल में करी पत्ता नहीं ऐड किया क्योंकि वो थोड़ा जल जाता है, तो इसलिए मैंने ऊपर से ऐड किया। साथ ही शिमला ऐड करेंगे, हरी मिर्च और अदरक ऐड करेंगे और साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है, अब टमाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ी हल्दी हम डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। तो ये देखिए यहाँ फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। तो सब्जियों को लगभग 7 से 8 मिनट तक भूने, अच्छी तरीके से पक जाने चाहिए, सब्जियाँ सारी उबल जाने चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। तो ये देखिए सब्जियाँ सारी पक चुकी है। अब इसमें हमने सूजी का जो शेप तैयार किया था उसको ऐड करेंगे, इसके साथ इसे मिक्स करेंगे। तो हल्के हाथों से इसे मिक्स करें, बहुत ज़्यादा रफली इसे नहीं चलावें वरना आपके सूजी के जो शेप हैं वो टूट जाएंगे। तो आप बहुत ही हेल्दी पास्ता भी इसे कह सकते हैं। तो ये देखिए इसका कलर टेक्सचर देख पा रहे होंगे कितना यमी दिख रहा है ये। तो इसमें अभी हमें एक चीज़ और मिक्स करनी है, हल्का सा पानी छिड़कें और इसके अंदर सॉस को डालें। तो 4 से 5 चम्मच मैं सॉस ऐड करूँगी इसके अंदर मैं अभी। तो यहाँ देखिए मैंने सॉस ऐड कर दिया है और उसके साथ इसे मिक्स करेंगे। तो ये हमारा, आप बिना सॉस के भी इसे खा सकते हैं, वो भी है टेस्टी लगता है, बट बच्चे थोड़ा चटपटा पसंद करते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा सॉस ऐड कर दिया है। तो ये देखिए मेरी ये रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। होप ये रेसिपी अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।